शोधकर्ता पतंजलि च्यवनप्राश, बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश। प्रायोजक पतंजलि दंतकांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। और पतंजलि केशकांति एडवांस, नए बाल उगाए, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाए। सिर्फ बाजार के दौरान नहीं, 2400 घंटे और सातों दिन नंबर वन है आपका चहेता चैनल जी बिजनेस। मार्केट ओपनिंग के दौरान 75% मार्केट शेयर के साथ सभी बिजनेस चैनलों में टॉप पर कायम। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में रहा उतार चढ़ाव। कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 180 अंक तो निफ्टी 52 अंक चढ़कर हुआ बंद। फार्मा, बैंक और फाइनेंस शेयरों ने बनाया दबाव। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार तीसरे दिन लाइफ हाई पर। स्पार्क और फिनिक्स मिल्स रिकॉर्ड स्तर पर, तो इंडस टावर और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 3-8% उछले। मक्के से बने एथेनॉल के लिए इंसेंटिव बढ़ने से इंडिया ग्लाइकॉल्स और गुलशन पॉली 4% तक दौड़े। स्टॉक ऑफ द डे बीसीएल इंडस्ट्रीज 10% उछला। मौजूदा वित्त वर्ष में देश की जीडीपी ग्रोथ 7.3% संभव। सरकार ने जारी किया पहला एडवांस्ड जीडीपी ग्रोथ अनुमान। नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। शो में बताएंगे शुक्रवार के बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही क्या रहे सोमवार के लिए स्ट्रेटजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल, हमारा फोन नंबर है 0222300-1634 या फिर आप हमें 0222300-1635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZBusinessOnline और x.com पर @ZBusiness अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। सोमवार की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही खास मेहमान हमारे साथ आज हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस शो में। और सबसे पहले बाजार की करते हैं बात। तो हमने देखा कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में तगड़ा एक्शन दिखा। बाजार के प्रमुख इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 179 अंक ऊपर चढ़कर 72,026 पर पहुंचा। निफ्टी 52 अंक चढ़कर 21,710 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक में आज रही लगभग 37 अंकों की गिरावट और ये 48,160 के लेवल के पास बंद होने में कामयाब रहा। और बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी आज दिखी आईटी स्टॉक्स में। और आईएफजी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी से समझते हैं लगातार दूसरे दिन एक्शन वाले कारोबार की अहमियत। लगातार भारतीय बाजारों में दूसरे दिन बड़े एक्शन वाला दिन रहा और आज भी उतार चढ़ाव के बीच हुआ कारोबार। शुरुआत मजबूती के साथ हुई। मजबूत शुरुआत होने के बाद बाजार कुछ और ऊपर बढ़ते नजर आए। 21,750 के आसपास निफ्टी पहुंचा तो बैंक निफ्टी 48,400 के बेहद करीब, और वहां से फिर जो मुनाफा वसूली शुरू हुई एक बार अच्छा झटका भी बाजारों ने लगाया। 21,625 तक नीचे फिसला भी, ऊपरी स्तरों से 125 पॉइंट बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे में 47,800 तक फिसलता हुआ दिखा, यानी कि ऊपरी स्तरों से अच्छी खासी मुनाफा वसूली। आखिरी एक घंटे में उतार चढ़ाव के बीच फाइनली हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे निफ्टी और सेंसेक्स, जहां पर निफ्टी में 21,700 के आसपास की क्लोजिंग मिली। वहीं बैंक निफ्टी उतार चढ़ाव के बीच हल्के नुकसान के साथ बंद होता दिखा, लेकिन 48,150 के आसपास। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर सुबह से बड़े एक्शन में थे, तेजी की तरफ थे और बंद भी हल्के हरे निशान में भी होते दिखे, और यही वजह थी कि बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कमजोर शेयरों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा। तो एक चीज़ साफ है, भारतीय बाजारों में साल का पहला हफ्ता उतार चढ़ाव भरा रहा, बाजार दिशा दशा की तलाश में रहा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ने तय कर रखा है कि वहाँ मजबूती बनी रहेगी। दिग्गज शेयर बड़ी तेजी या बड़ी मंदी के पहले थोड़ा सा वक्त बिताना चाहते हैं और हफ्ते के आखिरी दिन भी वैसा ही कामकाज देखने को मिला। कोई खास क्लियर कट डायरेक्शन नहीं, यहाँ पर निचले स्तरों पर खरीदारी भी आती दिख रही है, ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी होती दिख रही है। सेक्टर रोटेशन और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में आज भी भरपूर रहा। ग्लोबल मार्केट से संकेत मिले जुले थे, FIs की तरफ से हल्की फुल्की खरीदारी के आंकड़े और इन सब के बीच में भारतीय बाजारों ने हरे निशान में बंद होने में कामयाबी हासिल की। और आइए अब शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है उसके आंकड़े भी देख लें। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,696 करोड़ रुपए की खरीदारी की है
तो वहीं DII यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 3,497 करोड़ रुपए की बिकवाली के आंकड़े आए हैं सामने। आइए अब आज के एक्सपर्ट संदीप जैन का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, कुछ नरम कुछ गरम बाजार साल के पहले हफ्ते में, क्या आप आगे एक्सपेक्ट करें बाजार से, क्या ट्रिगर्स आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं? देखिए, ग्लोबल क्यूज इम्पोर्टेंट है बाजार में और रिजल्ट सीजन की आगाज कल हुई है और काफी स्टॉक्स अब नेक्स्ट वीक में बड़े दिग्गज जो भी है TCS इंफोसिस उनके रिजल्ट्स है, तो ओवरऑल मार्केट सब रिजल्ट स्पेसिफिक भी हो गया, स्टॉक स्पेसिफिक होगा, सेक्टर स्पेसिफिक चलेगा, कोई पर्टिकुलर लीडर का अगर रिजल्ट अच्छा था तो उस सेक्टर में ओवरऑल चाल बनी रहेगी। सो अब कहीं ना कहीं रिजल्ट्स पे पूरा डिपेंडेंट हो गया इंडियन मार्केट्स, क्योंकि जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स को डिस्काउंट करना था वो लास्ट मंथ हमने दिसंबर में देख लिया, गजब का माहौल बना हुआ था और वैसा ही आज 5 दिन हो गए नए साल में, यहाँ पे भी गजब का है। आज और कल तो बहुत ही अच्छे दिन थे और ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स तो लाइफ टाइम हाइस पे चल ही रहे हैं, निफ्टी भी ऑलमोस्ट किसिंग डिस्टेंस पे लाइफ टाइम हाइस के। सो आई फील कि माहौल अच्छा है। बाकी ग्लोबल क्यूज फेड के ऊपर नजरें बनी रहेगी, US जॉब डेटा और अब डेटा आने वाले हैं उन सब पे पूरी नजरें बनी रहेगी मार्केट्स की, एंड रिजल्ट सीजन मेरी नजरें जो है वो रिजल्ट्स के ऊपर है, कैसे अब रिजल्ट्स आते हैं उसके हिसाब से आगे का एक्शन देखेंगे। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप चल रहे हैं, सेक्टोरल वो जो रिकेटेगराइजेशन भी हुआ है मिड कैप स्मॉल कैप और उसकी वजह से भी काफी एक्शन शुरू के एक हफ्ते में दिखा है ये, क्योंकि कई स्टॉक मिड कैप से लार्ज कैप में आए, कोई मिड कैप से लार्ज कैप में गए हैं, स्मॉल कैप से मिड कैप में आए, तो एक रिकैटेगराइजेशन जो होती है एमफी की वजह से एमफी से उसके ऊपर भी मार्केट की नजरें बनी हुई थी। तो मुझे लगता है कि मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में जो एक रिटेल एक्सुबरेंस है वो भी देखने को मिला, तो लार्ज कैप में माहौल बना हुआ है। तो बिल्कुल आप अपने स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक और रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन के साथ ही काम करें। जी संदीप जी से अब उनके स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन समझे, अब पोजिशनली कौन से स्टॉक में आपकी स्ट्रेटजी बनाने की सलाह रहेगी संदीप जी? एक बेहतरीन MNC कंपनी और वन ऑफ माय फेवरेट्स दैट इज वेसुवियस इंडिया, 3,350 पे बंद हुआ है, 3,790 का टारगेट लगाएं और 3,470 का स्टॉप लॉस पोजिशनल पिक के तौर पे वेसुवियस इंडिया। वेसुवियस इंडिया में पोजिशनल खरीदारी की सलाह आई है संदीप जी की तरफ से, एक बार स्टॉप लॉस और टारगेट संदीप जी रिपीट कर देंगे। 3,790 is the target and stop loss is 3,470. ओके, तो ये रही वेसुवियस इंडिया पर स्ट्रेटजी बनाने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जी की तरफ से। आइए अब लॉन्ग टर्म खरीदारी का स्टॉक समझते हैं संदीप जी से, कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? कजारिया सेरामिक्स, और इस शो में मैंने पहले भी ये स्टॉक दिया हुआ है, आज वापस से दे रहा हूँ और टारगेट्स पहले के अचीव हुए हुए हैं और अब वापस से थोड़ा करेक्शन दिखा के अपने 200 डेमास के आसपास सपोर्ट ले रहा है। और कई बार जब मार्केट्स ऐसे रहते हैं जहां पे स्टॉक आइडियाज की कमी रहती है, स्टॉक आइडियाज तो काफी सारे हैं मगर अब स्टॉक्स में घुसने में कहीं ना कहीं डर लगता है, साइडलाइंस पे काफी पैसा वेट कर रहा है, तो वैसे में ऐसे स्टॉक्स है जो कि एक अपने करेक्शन हाई से करेक्ट करके अपने इंपॉर्टेंट एवरेजेस के आसपास सपोर्ट लेते हैं, सो दैट कैन बी अ गुड स्ट्रेटजी। और वैसा ही कजारिया सिरेमिक्स एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सिरेमिक एंड विट्रीफाइड टाइल्स एंड 8th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, गजब का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, मेजर ब्रांड्स है इनकी, सैनिटरी वेयर के लिए केरोविट है और टाइल्स के लिए कजारिया है ही है, और ओवरऑल में देख रहा था प्लाईवुड में भी ये लोग आ गए हैं तो कजारिया प्लाई है वहां पे, अच्छा खासा डीलर का नेटवर्क, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और सबसे बढ़िया बात यह है कि फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 16% का रिटर्न ऑन इक्विटी, पिछले 3 साल में सेल्स की क्या 16-17%, प्रॉफिट की क्या 11-12% के लगभग रही है, और मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह देख रहा था तो वहां पे भी बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं, लास्ट सेप्टेम्बर में करीब 70 करोड़ का पैट था उसके सामने 111 करोड़ का पैट, सो वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स, और TTM बेसिस पे भी बढ़िया प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी हुई है 404 करोड़ के पैट पे, सो ओवरऑल एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बैकग्राउंड, बड़ा एक्सपीरियंस और काफी पुरानी कंपनी, और FIIs का गजब का भरोसा है, करीब 44% के लगभग FIIs होल्ड करते हैं, 47-47% प्रमोटर्स है, बाकी रिटेल में है, सो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टोरी,
अच्छी कंपनी और अच्छा सेक्टर, बिल्डिंग मटेरियल्स, रियल एस्टेट, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सब लास्ट वीक भी काफी फॉर्म में थे और रेटिंग्स वगैरह बहुत स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे ले तो 1530-1570 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। कजारिया सेरामिक्स में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जी की तरफ से। आइए अब पहले कॉलर से बात करें, हरियाणा झज्जर से संदीप कुमार हमारे साथ हैं। संदीप जी स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका। जी पूछे सवाल संदीप जी। मेरा सोना BMW शेयर है मैम, जो एक साल के लिए होल्डिंग पे है, 235 शेयर है, 489 के प्राइस पे। ओके, एक साल के नजरिए के लिए सोना BLW में ये राय मांग रहे हैं। अच्छे लेवल पर इनकी एंट्री है, मुनाफे पर भी है, क्या रहेगी राय आपकी संदीप जी? देखिए इस स्टॉक को तो हमारे पैनल में काफी पैनलिस्ट ने रेकमेंड किया हुआ है और मैं हालांकि इसको रेकमेंड नहीं किया था, बट ये स्टॉक बढ़िया कर रहा है। मुझे वैल्यूएशन के लिहाज से महंगा लगता है बट कंपनी डिलीवरेबल्स अच्छे है, कंपनी मतलब अच्छे रिजल्ट दे रही है, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट्स दी है और एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट वेंचर है, स्ट्रॉन्ग पेडिग्री है, पुरानी कंपनी और ईवी रिलेटेड स्टोरीज के लिए काफी बढ़िया काम कर रही है। तो आई थिंक जो ट्रैक्शन ईवी को है उसका बेनिफिट इस कंपनी को मिला है, जस्ट दैट की वैल्यूएशन काफी महंगे है और इन्होंने काफी नीचे के लेवल्स पे लिया है तो हो सकता है कि कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग अगर कर सके, हालांकि वैसे जरूरत नहीं है और अगर इनको करना है थोड़ी सेफ्टी की तरफ जाना है तो फिर दूसरे ऑटो इंसुलेटर स्टॉक्स कुछ सस्ते हैं जहां पे ये जा सकते हैं। तो हम लोग जनरली वैसे टाइप की स्ट्रेटेजी अभी हमारे क्लाइंट्स को भी बोल रहे हैं कि जहां एक्सपेंसिव स्टॉक्स है वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके जो अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास या वहां रहते हैं तो एक सेफ्टी मिल जाती है और मार्केट से अगर करेक्ट भी हो तो वहां पे थोड़ा कंफर्ट मिल जाता है रिस्क का। तो मेरे हिसाब से इट्स अ ग्रेट स्टोरी टू होल्ड, अगर कंटिन्यूसली आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, बट अदरवाइज आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग की है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके कोई दूसरे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं। तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक कोई दूसरे स्टॉक में आपको खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं और सोना BLW प्रिसिशन में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह आपके लिए संदीप जी की तरफ से। जी जी सर जी संदीप, जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते ही इसी शो में रेकमेंड किया था सुप्राजित इंजीनियरिंग, एक क्वालिटी कंपनी, अगेन मेनन बेरिंग्स, स्टर्लिंग टूल्स, मैंने बहुत सारे इस हफ्ते में ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं तो वहां पे ध्यान दिया जा सकता। बिल्कुल, तो ऑल्टरनेट्स भी बताए संदीप जी ने आपके लिए, उसका ध्यान जरूर रखिएगा। आइए अगले कॉलर से बात करें, भोपाल से नवल किशोर हमारे साथ है, नमस्कार बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है। सर गुड इवनिंग मैम, मेरे पास में सेल के 6000 शेयर है, 124.26 रुपए की खरीदी है, 2 साल से होल्ड किया हूँ, बीच में मौका मिला था 14-15 हजार रुपए प्रॉफिट हो रहा था पर अभी मैं होल्ड करना चाहता हूँ, तो क्या इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए और कितने दिनों के लिए और किस टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए? जी संदीप जी क्या रहेगी राय आपकी? देखिए सेल में वैसे वैल्यू तो दिखती है और नीचे के लेवल से अच्छा चला हुआ भी है बट स्टिल देखा जाए तो सेल 48,000 करोड़ के मार्केट कैप पे सस्ता लगता है और आपके पी मल्टीपल्स देखे तो सस्ता लगता है, वैल्यू है और ओवरऑल मेटल्स अभी चलेंगे ऐसा मुझे लगता है क्योंकि देखिए जो रिस्की एसेट्स है उसके तरफ फंड्स आ रहे हैं क्योंकि वहां पे अगर बॉन्ड यील्ड्स, हालांकि पिछले कुछ दिनों से बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं बट ओवरऑल अगर रेट कट की कोई भी बात आती है तो सर्टेनली मेटल्स हो या इक्विटीज हो इन सब की तरफ पैसा अट्रैक्ट होता है कमिंग आउट फ्रॉम द ट्रेजरी इनकम। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सेल में ये इन्वेस्टेड रहे और थोड़ा नजरिया को लंबा रखें, ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्ट भी हुआ है बट ओवरऑल प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल देखें या पी मल्टीपल देखें या ओवरऑल पूरी वैल्यू देखें कंपनी की तो मुझे सस्ता लगता है ये स्टॉक। जस्ट दैट कि मैं साइक्लिकल स्टॉक्स और कमोडिटी स्टॉक्स को ज्यादा रेकमेंड नहीं करता बट आज चूंकि इन्वेस्टेड है तो मैं बोलूंगा कि होल्ड होल्ड सेल पर आपके लिए यही सलाह संदीप जी की तरफ से। महाराष्ट्र औरंगाबाद से गौरव पाटिल सवाल भेज रहे हैं, IDFC फर्स्ट बैंक पर 6000 शेयर 88.20 रुपए की खरीद के साथ। IDFC फर्स्ट बैंक संदीप जी आपको कैसा लगता है? शायद एक मिनट सर, ये कॉलर है भी गौरव जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? IDFC फर्स्ट बैंक में कब तक का नजरिया आपने रखा है?
एक शॉर्ट टर्म नजरिया है 1 से 2 महीने का। ओके बहुत शॉर्ट टर्म नजरिए के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्ट्रेटजी कैसी संदीप जी? हाँ ठीक है, इनको 100 रुपए का टारगेट रखना चाहिए अगर ये शॉर्ट टर्म नजरिए से कर रहे हैं और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऐसा कि 80-85 का रेंज है जहां पे ये सपोर्ट भी लेता है उसके आसपास ही है। सो ओवरऑल सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक अच्छे लगते हैं, इस क्वालिटी कंपनी का भी क्वालिटी मैनेजमेंट है, काफी एग्रेसिव मैनेजमेंट है, तो चीजें तो बेहतर हो रही है एंड मर्जर और ये सब की भी बातें चलेगी। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए 100 रुपए का टारगेट। बिल्कुल, तो होल्ड कीजिए इस स्टॉक को, आपके लिए यही राय संदीप जी दे रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुके, मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारदा से हम जानेंगे सोमवार के लिए ऑप्शन कॉल्स। सोमवार के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रेटजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, शायद ग्लोबल मार्केट से संकेत कमजोरी के रहेंगे, कम से कम भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त ऐसे ही संकेत डाउ फ्यूचर्स से आते दिखे जो कि लगभग 90 पॉइंट नीचे थे और नैस्डैक फ्यूचर्स 45 पॉइंट नीचे। देखते हैं वहाँ किस तरह के संकेत होते हैं। हमारे बाजारों में आज FIIs की तरफ से, लोकल फंड्स की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आते, यानी लगातार 2 दिनों से घरेलू फंड्स की बिकवाली है। उम्मीद ये कर सकते हैं कि आज के माहौल को देखते हुए फिर से बिकवाली का आंकड़ा आपको दिखेगा। सपोर्ट बेहद साफ है, 21,500-21,600 बाजारों के लिए सपोर्ट का काम करता हुआ दिखेगा। 21,750-21,850 ये आपके लिए रुकावट की रेंज है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 47,725-47,850 सोमवार के लिए रहेगा मजबूत सपोर्ट और ऊपरी स्तरों पर 48,375-48,500 है वो रेंज जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना भी आप मानकर चल सकते हैं। इन सबसे हट के मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन अगले हफ्ते भी भरपूर बना रहेगा। नतीजों की सीजन की भी अगले हफ्ते से शुरुआत होना हो जाएगी, तो काफ़ी कुछ एक्शन स्टॉक्स और सेक्टर में आपको बढ़ते हुए नजर आएगा, तो उसके लिए आप रहें तैयार। और आइए अब सोमवार के ऑप्शन स्ट्रेटजी के लिए, इस वक्त हमारे साथ शो में शामिल हो चुकी हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की शिवांगी सारदा। शिवांगी बहुत स्वागत है, कहां पर मौके सोमवार के बाजार में? शिवांगी सुन पा रही है? शिवांगी से थोड़ी देर में संपर्क फिर से करने की कोशिश करते हैं। संदीप जी आपसे जानना चाहेंगे सोमवार के बाजार में कहां पर मौके तलाशे जा सकते हैं? देखिए इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे मैं लाया हूं आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स तो अच्छे चल ही रहे हैं और एक्सिस बैंक ने अच्छा आउट परफॉर्म किया, एचडीएफसी बैंक भी ठीक चल रहा था, आईसीआईसीआई बैंक भी चलेगा ऐसा मेरा मानना है। और 994 पे बंद हुआ है, 1012-1020 का टारगेट, स्टॉप लॉस 985 का। और डिस्क्लेमर है, ये सारे स्टॉक्स हम हो सकता है कि हमारे क्लाइंट्स को आगे पीछे रेकमेंड किए हुए हो और मेरे निजी पोर्टफोलियो में नहीं है, बट हमारे फैमिली और एसोसिएट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक सोमवार की खरीदारी का पसंदीदा स्टॉक संदीप जैन की राय। आइए अब करते हैं बात शिवांगी सारदा से। शिवांगी स्वागत है, सोमवार के बाजार में कहां पर नजर रखनी चाहिए? स्वाति जी, हम देख रहे हैं कि पूरे रियल एस्टेट पैक में एक काफी अच्छा शानदार मूवमेंट बना हुआ है और इसी से एक ऐसा स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टी जो काफी शानदार रूप से नजर आते हुए दिख रहा है। काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक जो है एक अच्छी अपमूव दिखाते हुए दिख रहा है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम 2240 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करें, 66 के एक स्टॉप लॉस और 100 रुपए के टारगेट्स के लिए। दूसरा पिक मेरा रहेगा HAL पे, 20-22 दिनों के एक छोटे रेंज में कामकाज कर रहा था और उससे स्टॉक जो है अब निकलते हुए दिख रहा है। स्पेस में काफी एक अच्छा बज है, टेलविंड मिलते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे 3,000 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह है, 111 के स्टॉप लॉस और 165 के टारगेट्स के लिए। तो ये रही ऑप्शन स्ट्रेटजी दो स्टॉक्स में बनाने की हमारे आज के एक्सपर्ट शिवांगी सारदा की। धन्यवाद करेंगे शिवांगी आपका हमसे बातचीत करने के लिए और संदीप जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।